Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए। जो कार है वो हम लोग लेके जाएंगे वसई तक और फिर वसई से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। अभी हम लोग फौजन के पास जा रहे हैं, फौजन आएगा फिर यहाँ से हम लोग चार लोग निकलेंगे वसई के लिए। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। हैप्पी जर्नी ड्रीम ट्रिप का। देख आगे हैप्पी जर्नी वाले चीचा, हमारे वडिल भी आए हुए साथ में, राजेश भाई लोकल है यहाँ का। आरसी ऐसा इसका गाड़ी महाराष्ट्र की है लेकिन ये आरसी अब अपने को पता नहीं किधर रखा होगा। इन लोगों को क्या लगता है, क्या खबर? गाड़ी साइड में झंडा उड़ा और मेरा लाइसेंस दे दिला। लाइसेंस क्यों दिया सर? वो तो चेक करने राइट। तभी हम लोग ने लंच ब्रेक लिया है यहाँ पे चामुंडा पान पार्लर के पास। नया नया ब्लॉगर है ये। 3:17 हो चुका है, तभी हम लोग खाना खाएंगे और खाने के बाद जाने कर। सभी खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं फिर से वसई की तरफ और वसई पहुंच के हैं। अभी यहाँ से वसई 26 किलोमीटर बाकी है और वसई पहुंचने के बाद ये जो गाड़ी है वो जिसकी गाड़ी है उसको देना है एंड फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। वैसे अभी हम लोग पहुंच गए वसई, फौजन भाई गाड़ी देने के लिए गए और जैसे आएंगे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे वसई स्टेशन, फिर वहाँ से जाएंगे अंधेरी और अंधेरी के बाद फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। 5:00 और अभी हम लोग के फ्लाइट को जो है 10:00 का टाइम है तो हम लोग के 2 घंटे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं। सो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हम लोग। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठने का सपना हमारा कंप्लीट होगा जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए। तो अभी जाते हैं, अभी हम लोग अंदर और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। प्यार की राह में चलना ये पानी का बोतल लिया है ना? अरे हाँ मिल जाएगा वहाँ पे। सेकंड के टाइम पे कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया। ये तो मज़ा किधर नहीं आया एयरपोर्ट में, क्योंकि अभी हमारी जो फ्लाइट है वो अभी हमको 30-50 मिनट। सो अभी बोर्ड टाइम स्टार्ट हो चुका है 9:30 के आसपास।
देखेंगे और मेरी भी विंडो से फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। जो तो देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। अभी भी यहाँ से फ्लाइट खोलने में करीबन आधा घंटा या एक घंटा बाकी होगा, तो इंजॉय करते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस हम लोग ना जैसे एकदम ऊपर फ्लाई ना फिर काम सुन मारे कैसा लग रहा था नहीं। हाँ फदा कैसा लगा एक्सपीरियंस, मतलब ऊपर गए तो क्या हुआ तेरे को? चीचा कैसा लगा आपको ऊपर गए तो क्या हो रहा था? लगी नहीं रहा कि प्लेन चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कार जैसा वैसे अभी हम लोग पहुँच गए ब्लू वेल बीच रिजॉर्ट कैंडोलिम में, कैंडोलिम गोवा। हाँ तो अभी चेक इन करते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। सो फाइनली अभी रूम पे आ चुके हैं और अभी वक्त आ गया ब्लॉग का एंड करने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और एक बज गया। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम आपको रूम का टूर करा देंगे और गोवा में हम लोग जो कल मज़े करने वाले हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सो आज का लोग हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वक्त में।